सभी बच्चे आज ध्यान देंगे। ये बायो मॉलिक्यूल्स में आज हम पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तथा नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकेज मोनोमर इन ए पॉलीमर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इनके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि ये आपको ये समझना है कि पॉलीसेकेराइड्स क्या है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि पॉलीसेकेराइड्स ये कॉम्प्लेक्स शुगर हैं जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर। सिंपल शुगर्स को हम मोनोसेकेराइड और डाईसेकेराइड्स के नाम से जानते हैं, ओलिगोसेकेराइड भी कहते हैं, लेकिन जो सबसे जटिल होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये जल में घुलते नहीं, ये जल में अघुलनशील होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स ये क्या हैं? ये पॉलीमर होते हैं। पॉलीसेकेराइड जो है ये मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से एक लंबी चेन बनती है और उन्हें हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। हजारों अणुओं के मिलने से पॉलीसेकेराइड बनते हैं जो जल में सॉल्युबल नहीं होते, घुलते नहीं। अब अगर हम ये ध्यान दें कि मुख्य रूप से जो पॉलीसेकेराइड्स हैं हमारे लिविंग बींग्स में, वह सेलुलोज है, स्टार्च है, और एनिमल के केस में ग्लाइकोजन है, काइटिन है। तो अगर हम इस तरह से अगर ये देखें कि प्लांट किंगडम में जो सेलुलोज है यह मोनोसेकेराइड जो ग्लूकोज होता है उसी डी ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता है, और सेलुलोज डी ग्लूकोज का जो पॉलीमर होता है यह एक लंबी श्रृंखला बनाता है, और एक लंबी श्रृंखला बना करके एक धागे के रूप में, थ्रेड्स के रूप में ये पाया जाता है। और हम ये जानते हैं कि जितने भी प्लांट सेल हैं उनका जो सेलवाल है वह सेलुलोज का ही बना होता है। तो इस तरह से ये जो सेलुलोज है यह मोनोसेकेराइड का एक होमो पॉलीसेकेराइड होता है। होमो पॉलीमर होने का मतलब ये है कि वो एक ही प्रकार के अणु जब बार बार मिलते हैं तो उनको होमो पॉलीमर कहते हैं। अगर उसमें कुछ अणु दूसरे मिल जाते हैं तब उसको हेटरो पॉलीमर कहते हैं, लेकिन ग्लूकोज जो है होमो पॉलीमर होता है। अगर हम स्टार्च की तुलना करें तो स्टार्च एक फूड स्टोरेज का काम करता है और ये जो है इनर्जी प्रोवाइड करता है। स्टार्च भी मोनोसेकेराइड डी ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है, लेकिन ये पॉलीमर हेलिकल होता है, हेलिक्स की तरह होता है, और हेलिक्स की वजह से ही ये आयोडीन के अणुओं को उलझा रखता है, कैच कर लेता है, कंटेन कर लेता है। माने जो मोनोसेकेराइड का जो होमो पॉलीमर है वह एक हेलिक्स के रूप में पाया जाता है, और हेलिक्स के रूप में पाए जाने से यह जो स्टार्च है यह आयोडीन के अणुओं को यह कंटेन कर लेता है अपने हेलिक्स में, इसीलिए यह ब्लू कलर देता है। आयोडीन की घोल डालने पर स्टार्च जो है ब्लू इन कलर हो जाता है, ब्लू कलर देता है। तो यह इसकी एक विशेषता है। लेकिन अगर हम ग्लाइकोजन के बारे में चर्चा करें तो एनिमल किंगडम में ये ग्लाइकोजन भी एक स्टोरेज फूड मॉलिक्यूल का काम करता है, और ये भी इनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये ग्लाइकोजन का जो पॉलीमर होता है ये भी होमो पॉलीमर होता है, लेकिन ये न तो हेलिकल होता है न
स्ट्रेट होता है, बल्कि ये ब्रांच रूप में होता है, इसमें ब्रांचिंग होती है। और ये भी होमोपॉलीमर होता है। एक पॉलीसेक्राइड जो काइटिन है, एन एस्टिल गैलेक्टोसामाइन या ग्लूकोसामाइन का ये पॉलीमर होता है काइटिन। और ये पॉलीसेक्राइड जो कीट होता है, कीट वर्ग, उनके बाह्य कंकाल के निर्माण में ये भाग लेता है। तो ये कीट वर्ग के बाह्य कंकाल के निर्माण में ये भाग लेता है। और ये भी होमोपॉलीमर होता है, ये भी होमोपॉलीमर होता है। तो अगर हम ये एक प्लांट के केस में इनुलिन होता है, तो इनुलिन ये फ्रक्टोज का होमोपॉलीमर है, इनुलिन ये फ्रक्टोज का होमोपॉलीमर होता है, ये फ्रक्टोज का होमोपॉलीमर होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये देखा जाए तो जितने भी ये पॉलीसेक्राइड्स हैं, जैसे मैंने चर्चा किया स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड सेलुलोज, ये स्ट्रक्चर का काम करता है, और स्टार्च, इनुलिन, ये सब के सब होम पॉलीसेक्राइड हैं। और एनिमल केस में हमने ग्लाइकोजन और काइटिन का जिक्र किया। तो काइटिन तो स्ट्रक्चरल है, जो एन गैलेक्टोसामाइन का पॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर होता है, और जो ग्लाइकोजन होता है ये फूड स्टोरेज का काम करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से ये पॉलीसेक्राइड्स के बारे में चर्चा हुआ। अब दूसरा प्रकरण है न्यूक्लिक एसिड। देखिए, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम थोड़ा बता भी चुके हैं। न्यूक्लिक एसिड आप ये जानते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इनके अलावा भी यूकैरियोटिक सेल के माइटोकांड्रिया में मिलते हैं, और प्लांट के यूकैरियोटिक सेल के क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं। लेकिन ये जो मुख्यतः डीएनए और आरएनए का नाम आपने सुना होगा, ये दो प्रकार का होता है। न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में आप जानते हैं तीन प्रकार के मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। एक है सुगर, जो पेंटोस सुगर होता है, जिसका एक रिंग बनता है 5 कार्बन का। और सुगर में भी आपने जाना है कि अगर कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन है तो उसे राइबोस सुगर कहते हैं, जो आरएनए के निर्माण में भाग लेता है। यदि कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं है तो वो डीऑक्सीराइबोज सुगर कहलाता है। तो इस प्रकार डीएनए में डीऑक्सीराइबोज सुगर होता है और आरएनए में राइबोस सुगर होता है। इनके अलावा ये बेस पाए जाते हैं। बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडिन। प्यूरिन में एडिनिन और गुआनिन होता है, और पाइरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल होता है। तो डीएनए के केस में तो यूरेसिल पार्ट नहीं लेता, लेकिन आरएनए के केस में थाइमिन पार्ट नहीं लेता, यूरेसिल भाग लेता है। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए तो ये सभी प्रकार के ये जो रिंग होते हैं, इनके जो भी बेस होते हैं सब हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक का अर्थ होता है कि उनके रिंग में दूसरे तत्व के परमाणु भी भाग लेते हैं, इसलिए इनको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। बेस के जितने भी रिंग बनते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन उसमें पार्ट लेते हैं, और जो राइबोस सुगर या डीऑक्सीराइबोस सुगर का जो रिंग बनता है उसमें कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी पार्ट लेता है। तो इस तरह से ये स्थिति होती है। तो बेस भी, जितने भी बेस मैंने चर्चा किया, चाहे वो प्यूरिन के हों चाहे पाइरिमिडिन के हों, ये सुगर के कार्बन नंबर 1 से जुड़ते हैं, सुगर के कार्बन नंबर 1 पर ये जुड़ते हैं, और सुगर के कार्बन नंबर 5 पर
पांचवें कार्बन पर ये फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है, फास्फोरिक अम्ल H3PO4। तो इस प्रकार से ये जो अणु बनता है, अगर केवल बेस जुड़ा है तो हम उसको न्यूक्लियोसाइट कहते हैं, अगर उसमें फास्फोरिक अम्ल जुड़ गया है तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड में बनते हैं और यही चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ करके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये जुड़ करके एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनाते हैं। और एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का बनना ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है, डीएनए का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और जब दो पॉली न्यूक्लियोटाइड आपस में एंटी पैरेलल रूप में जब ये जुड़ जाते हैं और दोनों के बेस जब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और यही जो है ये डीएनए होता है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंड का बना होता है और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो डायरेक्शन होता है वो एंटी पैरेलल होता है, एक का 3-5 ऊपर की ओर तो दूसरे का 3-5 नीचे की ओर होता है। तो ऐसी स्थिति में ये एंटी पैरेलल ये बन जाते हैं। और जब यही डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के जब क्रोमोसोम बना लेता है तो इसे हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये चीज आपने जान लिया। और इस प्रकार से ये दो प्रकार के डीएनए आरएनए के बारे में मैंने चर्चा किया। तो इस तरह से अब ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी चर्चा हुआ। इसके बाद थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में जानकारी करना है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण बायोमॉलिक्यूल है, लेकिन जैसे न्यूक्लिक एसिड हेटरोपॉलीमर होता है उसी तरह से प्रोटीन भी हेटरोपॉलीमर होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके ये पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। और पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो चूंकि ये कई प्रकार के प्रोटीन आपस में जुड़ करके ये पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, इसलिए ये जो पॉलीमर बनता है वो हेटरोपॉलीमर होता है। ये कई प्रकार के अणु के मिलने से ये पॉलीमर नहीं बनता, कई प्रकार के अणु मिलते हैं तो ये पॉलीपेप्टाइड एक पॉलीमर बनाता है और उस पॉलीमर को हम प्रोटीन भी कह लेते हैं, तो ये हेटरोपॉलीमर। लेकिन अब इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी टाइप के इनका जो स्ट्रक्चर होता है इसे आपको जानना जरूरी है। तो देखिए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, अगर सभी अमीनो एसिड्स अगर एक लाइनियर रूप में, एक रेखीय रूप में अगर मिल गए तो इसे जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, रेखाकार पॉलीपेप्टाइड। लेकिन अगर वही पॉलीपेप्टाइड, अगर वही पॉलीपेप्टाइड इस प्रकार से वो हेलिक्स रूप में जब वो क्लॉकवाइज जब हेलिक्स बना लेते हैं, वही रेखाकार जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड का, वह अगर हेलिकल रूप में क्लॉकवाइज अगर स्ट्रक्चर बना लेता है तो इसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यही है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो पॉलीपेप्टाइड है ये फिर इंटरविंड होकर के आपस में उलझ करके यह एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जब बना लेता है, गोला स्ट्रक्चर जब बना लेता है तो इसे हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और यह 3-dimensional व्यू प्रोटीन का होता है, ये 3-dimensional व्यू बन जाता है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्रायः टर्शियरी स्ट्रक्चर के ही प्रोटीन मेटाबॉलिक क्रियाओं में एंजाइम के रूप में ये काम करते हैं,
हार्मोन्स के रूप में काम करते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन के केस में जब ये ग्लोबिन प्रोटीन बनता है तो उस केस में ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर का जो ग्लोबुलर पॉलीपेप्टाइड की जो स्ट्रक्चर होती है, ये कई पॉलीपेप्टाइड आपस में मिलकर के एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और जब ये क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर जब बना लेते हैं तो इसे हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसमें दो अल्फा और दो बीटा टाइप के होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में भी ये बताया गया कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस लेवल पर होता है। अब इसके बाद जो बॉन्डिंग की बात है, वो उस बॉन्डिंग को अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।